Hello everyone. Yesterday we have discussed about the definition of the rational number and its properties, and also given the examples on each and every properties. And the two more important concepts was additive inverse and multiplicative inverse. So today I am going to discuss about the two important topics. I hope it will be very much clear into your mind. It should be clear into mind. If it will be any doubt, please do ask. My two topics, very important, are representing rational numbers on a number line and finding rational numbers between any two given rational numbers. ये दोनों ही topic आपके 8th में तो important है ही, 9th में chapter 1 that is number system उसमें भी बहुत important है. ये सीखना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे तो हम rational number on a number line कर रहे हैं ना 8th में, 9th में होता है irrational number on a number line. तो पहले rational सीख लो, फिर irrational सीख लेंगे, ठीक है? तो let's start with the topic representing rational numbers on a number line. See, any rational number, negative or positive, 7 by 8, कोई भी example ले लिया मैंने. सबसे पहले तो आपको number line आना चाहिए. number line आ गई ना, तो representing आराम से आ जाएगा. number line में बहुत बच्चे concepts को wrong करते हैं. होता क्या है, ये बीच में 0 तो उनको याद रहता है, ठीक है? लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि पॉजिटिव नंबर्स हमको राइट हैंड साइड करने हैं और नेगेटिव नंबर हमको लेफ्ट हैंड साइड करने हैं. इतना याद रखने की जरूरत नहीं है. पहले तो ये याद रखो कि जीरो के बाजू से जो नंबर जाएंगे वो हमेशा ही वन होगा. सबसे पहला नंबर दोनों तरफ वन होगा. वन होगा, जब वन हो जाता है ना पॉइंट, तो उसके बाद 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन तो होते रहता है, ठीक है? दिस एरो शोज कि इनफाइनाइटली ये एक्सटेंड हो सकती है नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है? तो मैंने जीरो के आजू बाजू क्या लिखा, वन और वन, ठीक है? अब राइट हैंड साइड राइट है तो प्लस होगा, लेफ्ट है तो माइनस होगा. तो पहला बस इतना याद रखना है, ये प्लस है और ये माइनस. प्लस को हमेशा शो करने की जरूरत नहीं होती है. तो वन एंड माइनस वन इतना याद रहा. तो आगे नेक्स्ट नंबर इसका 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, ठीक है? सो ऑन मीन्स एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, ठीक? ये कॉन्सेप्ट क्लियर? मतलब नंबर लाइन में तो पूरे मार्क्स आपके पक्के, ठीक है? अब बात आती है कि पॉइंट कैसे करना है, ठीक? तो रिप्रेजेंट 7/8. अब पता नहीं रहता है कि हमको डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, तो हमेशा जो आपके क्वेश्चन में होता है ना बेटा, वही आपको सारे डिनोमिनेटर्स में लिखना होता है. सेम एज इट इज, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 8. सो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 हमारा पॉजिटिव नंबर है ना, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. नेगेटिव आया तो लिखेंगे. मान लो -4/8 आया तो इसी नंबर लाइन में शो कर सकते हैं. क्यों नंबर लाइन में शो कर सकते हैं सेम, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो एक ही नंबर लाइन में आप शो कर सकते हो, ठीक है? यहाँ क्या हुआ, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8 एंड सो ऑन. आपका -4/8 है ये वाला पॉइंट, आपका 7/8 है ये वाला पॉइंट, हो गया नंबर लाइन में शो. और अगर आप डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे तो कोई बात नहीं, एक और नंबर लाइन कर लो. जितने नंबर लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा. एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर पॉइंट जीरो होने की वजह से आपके आजू बाजू से जो नंबर, लेफ्ट साइड और राइट साइड से जो नंबर निकलेंगे, वो हमेशा पहला वन होगा. ये बहुत इजी है याद रखना. जीरो के बाद वन आता है, जीरो के बाद वन आता है, जीरो के बाद वन आता है. इसको रिमाइंड करो बार बार, तो गलती नहीं होगी कम से कम नंबर लाइन ड्रॉ करने में. राइट हैंड साइड प्लस होता है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस होता है. ये रहा माइनस, प्लस को लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती. तभी भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और ज्यादा, ताकि कभी भी ना भूले, लिख दो प्लस वन, कोई फर्क नहीं पड़ता. प्लस लिखने से कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, कुछ माइनस नहीं होता, होगा कॉन्सेप्ट में प्लस ही होगा, ठीक है? यहाँ हो गया -2, -3, -4,
minus 5, minus 6 and so on to both sides. Next topic kya hai hamara? 3 by 5. So, denominator kya hai? 5. So, sab ke denominator mein likh do 5. और 5 by 5 का मतलब क्या होता है? 1. तो ये 0, ये 1. 0 और 1 के बीच में क्या मिला आपको? 3 by 5. जब denominators greater होते हैं, numerator से, तो वो कोई भी number हो, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा. ये देखो, 0, ये देखो 1. जब denominators greater होते हैं numerator से, when the denominators are greater than the numerator, the number will exist only between 0 and 1, whatever the number is, whatever the number is. Next, 2 by 3, again the next number line, क्यों? क्योंकि इसका denominator 5 नहीं है, तो दूसरी number line show करो. बिल्कुल मत करना कि यहाँ पे मैं 3-3 लिख देता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है? लिख पड़ता है. सेम नंबर लाइन पे एक कॉन्सेप्ट हो तो ज़्यादा क्लियर होता है. ठीक है, फिर से 0, तो 0 के आजू बाजू से क्या निकलेगा? लेफ्ट साइड और राइट साइड से 1 निकलेगा. लेफ्ट साइड में होता है ऑलवेज माइनस और राइट साइड में होता है प्लस. प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5. माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5. हम कहीं भी करते हैं क्या? डायमेंशंस को डिवाइड करते हैं क्या हम कहीं भी? नहीं, हम एग्जैक्ट प्रॉपर डिस्टेंस पे करते हैं. जैसे स्केल होती है ना, स्केल रूलर वैसे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 बाय 3. अब डिनोमिनेटर में क्या है? 3. तो डिनोमिनेटर में ले लो सबके 3. ले लिया. 3 by 3 का मतलब क्या होता है? 1. Again denominator is greater than the numerator. So number will exist between 0 and 1. ये रहा आपका 2 by 3. और अगर आंसर आया एक और नंबर लेते हैं नेगेटिव, माइनस 5 by 3 ले लिए. ये देखो 3 छोटा है. किससे? 5 से. मतलब denominator is less than numerator. Now see how. माइनस 1 बाय 3, माइनस 2 बाय 3, माइनस 3 बाय 3, माइनस 4 बाय 3, माइनस 5 बाय 3. माइनस 3 बाय 3 का मतलब यहाँ क्या होता है? माइनस 1. ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में आ रहा है क्या नंबर? नो. व्हाई? डिनोमिनेटर इज लेस देन द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर इज लेस देन द न्यूमरेटर, सो द नंबर विल नॉट एग्जिस्ट बिटवीन 0 एंड 1. सो वेयर डज इट एग्जिस्ट? Wherever the point is, ये रहा आपका point, minus 5 by 3. ठीक, तो ये है सारे के सारे examples. How do you show the numbers on a number line? How do you will represent the numbers on a number, any rational number? ठीक है, याद क्या रखना है? पहला concept, number line के center में 0 होता है. नंबर लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में कौन से नंबर्स निकलते हैं? सबसे पहला 1 होता है. लेफ्ट साइड होता है माइनस 1, राइट साइड होता है प्लस 1, उसके बाद एंड सो ऑन. ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट. तीसरा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन में जो भी डिनोमिनेटर होता है उसी डिनोमिनेटर को थ्रू आउट द नंबर लाइन सारे नंबर्स के नीचे लिखना है. सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, जो क्वेश्चन में बोलता है वही. ठीक है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर लाइन शो कर लो. सिंपल, टेक मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड डू वेल. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक. टॉपिक है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर. तो भैया 0 एंड 1 के बीच में क्या होता है? कितने नंबर होते हैं? कोई बोलेगा कोई नंबर नहीं होता है. मैं बोलूंगी कि 0.5 होता है. अच्छा, 0 और 0.5 के बीच में क्या होता है? एकदम एग्जैक्ट बीच में 0.25 होता है. 0.25 और 0 के बीच में क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं. तो व्हेन टू रैशनल नंबर्स आर गिवन, सो देयर एग्जिस्ट मैनी 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 इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स. सो फाइंडिंग आउट द इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑल्सो. ठीक है, फॉर्मूले भी हैं उसके, ए प्लस बी अपॉन टू. या आप 9th में पढ़ोगे, 8th में भी है. ठीक है, लेकिन मैं बहुत ईजी वाला टॉपिक समझाने वाली हूँ आपको. ए प्लस बी अपॉन टू थोड़ा सा लेंदी होता है. ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में.
पहले इसमें ये सीख लेते हैं कि ईजीएस्ट क्या है. ईजीएस्ट माने कि इतना ईजी टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क में भी और 3 मार्क में भी. ठीक है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन द गिवन रैशनल नंबर इज 1 मार्क. फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन अ गिवन रैशनल नंबर इज 3 मार्क्स. फाइंड 5 रैशनल नंबर गिवन बिटवीन द गिवन 2 रैशनल नंबर इज अ 4 मार्क क्वेश्चन. तो 4 मार्क के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए एकदम सिंपल सा टॉपिक समझाऊंगी, एकदम सिंपल सा मेथड है ये. कोई भी नंबर ले लेते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा. कोई भी नंबर 2/3, 1/3 and 2/3 या 2/3 या 3/5. ठीक है, 2/3 and 3/5. पहले इजी समझाऊं तो ठीक रहेगा, पहले डिफिकल्ट समझाऊं तो ठीक रहेगा. लेट्स टेक 2-3 एग्जांपल्स ना. सो व्हाट, तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर्स क्या लिए, डिफरेंट. देखो कैसे होता है. सबसे पहला कॉन्सेप्ट, डिनोमिनेटर्स को सेम करो. डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. बात यहाँ नहीं रुकती है भैया, जो चेंज नीचे करते हैं सेम इक्विवेलेंट चेंज ऊपर करते हैं. इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाना. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटू 5 तो ऊपर भी इंटू 5 और यहाँ इंटू 3 तो ऊपर भी इंटू 3 हो गया. जो चेंज नीचे वो चेंज ऊपर, सी. ठीक, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया 15, यहाँ पे हो गया 15, ये हो गया 10, ये हो गया 9. 10 और 9 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं नहीं पता, चलो हम बताएंगे क्वेश्चन यहाँ पे. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स. और अभी तो हमने बोला कि कितने नंबर होते हैं तो हमको पता ही नहीं था. तो अगर मैंने बोला 5 तो एक ज्यादा लेना है. n is how, what is the question, 5, so n is equals to 5. You need to take n plus 1 means 5 plus 1 multiplying to all 4 numbers given here. So 10 into 6 upon 15 into 6, 9 into 6 upon 15 into 6. ठीक है, उल्टा लग रहा होगा, बाद में देखना कैसे सीधा हो जाएगा. 60 upon 90, 54 upon 90. अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो भी नंबर मिल जाएगा, उल्टा करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो भी नंबर मिल जाएगा. वी हैव टू फाइंड द नंबर्स ना, सी हाउ. 60 के बाद क्या आता है, 61 62 63 64 65. ठीक है, कितने चाहिए हमको, 5. देखो मैं राइट जा रही हूँ कि रॉन्ग जा रही हूँ, ऑफ कोर्स रॉन्ग है. 60 और 54 के बीच में क्या आना चाहिए, 59 58 57 56 55. ये इन दोनों के बीच के नंबर हैं. और ये 54 तो आपका लास्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वॉज योर 60 अपॉन 90, सब में रखना है. अगर आपने सिर्फ न्यूमरेटर रख के छोड़ दिया तो आपका पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको लास्ट में रैशनल नंबर्स बताने हैं, एग्जैक्ट इन बिटवीन द टू गिवन नंबर्स. तो ये रहा आपका, सबके नीचे डिनोमिनेटर में 90 होना चाहिए. देख आ गया, 54 और 60 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स. अब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो कॉमा के बदले आप क्या लगा दोगे, लेस देन वाला साइन. तो रॉन्ग हो जाएगा, ग्रेटर देन वाला लगाओगे तो राइट हो जाएगा. सी 60 इज ग्रेटर देन 59 इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस एंड दिस. ठीक, तो दिस इज इन डिक्रीजिंग एक ऑर्डर में है ये. ठीक है, इसको उल्टा कर देते अगर हम 3/5 और 2/3 तो ये नंबर एट लास्ट क्या मिलता, 54/90 और 60/90. इजीली 54 के बाद 55 56 57 58 59 60, सबके नीचे 90 लगाना कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है, क्योंकि यही आपका एक रैशनल नंबर शो हो रहा है, पी बाय क्यू फॉर्म है ना. अब ये लेस देन वाली साइन लगा दो. ठीक,
कितने भी क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो सकते हैं आपके, कितने भी क्वेश्चंस, कितने, ये मेथड था तब जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट था. अब लेते हैं जब डिनोमिनेटर होता ही नहीं है, लेट्स सी तो क्या लेते हैं. व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट गिवन फॉर एनी नंबर देयर इज ऑलवेज वन. पता है ये बात? नहीं पता है तो चलो रिकॉल कर लेते हैं. वन और माइनस वन और वन के बीच में देखो, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है ना. माइनस वन और वन के बीच में कितने रैशनल नंबर है? अगेन आई विल से इनफाइनाइट. ठीक है, देखो कैसे. इनका तो डिनोमिनेटर ही नहीं है तो वी विल टेक वन एज अ डिनोमिनेटर. ठीक, यहां डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत है नहीं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, अगर फाइव रैशनल नंबर है तो n इज इक्वल टू क्या है हमारा 5. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? n प्लस 1 लेना है. इसका मतलब 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. ठीक, अब ये 6 क्या करेंगे? अगेन सेम थिंग, चारों नंबर्स जो कि गिवन है इन सबसे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या हो गया? माइनस 6 अपॉन 6, 6 अपॉन 6. नंबर लाइन छू गए ना, देखो ये नंबर लाइन में देखो, माइनस 6 और 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं देखो. माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. इतने नंबर्स मिल गए और आपको चाहिए कितने थे? सिर्फ 5. टेक एनी टू बट इन ऑर्डर. ठीक है, कैसे? इन अ सीक्वेंस. सी, माइनस 6, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1. कितने नंबर हुए? 1, 2, 3, 4, 5. 5 हो गए जो हमको चाहिए थे. और ये रहा आपका 6, लास्ट वाला नंबर. सबके नीचे 6 लिखना कंपलसरी है. क्यों? क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में 6 है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था डिनोमिनेटर? 90. तो सबके नीचे 90 लिखा था, यहाँ पे क्या है? 6. तो सबके नीचे 6 लिखेंगे. सी यू नंबर्स, डन. व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट गिवन देन ऑल्सो डन. व्हेन द डिनोमिनेटर वर डिफरेंट देन ऑल्सो डन. नाउ व्हेन द डिनोमिनेटर विल सेम हाउ डू वी डू? सी हाउ डू वी डू दैट? Just see. Next question. Minus 1 by 2 and 1 by 2. देखो denominator same है. अब इसमें denominator same नहीं करना है हमको. Again denominators में हमें हमारे पास 2 है. तो फिर first step n is equals to 5. कुछ different लेते हैं. 5 पे नहीं अटकेंगे. 8 ले लेते हैं. ठीक है? अब n क्या है? 8. नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एन प्लस वन. एन प्लस वन मतलब 8 प्लस 1. अब आपको लग रहा होगा कि 8 भी तो ठीक है ना, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे. बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम एक कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं ना तो एक कॉन्सेप्ट से ही पूरा चलते हैं. उसके बाद यू कैन टेक, है ना. अगर आपको मिलता है बीच में बहुत सारे नंबर, यू कैन टेक. मैंने बोला ना इनफाइनाइट नंबर मिलते हैं तो इनफाइनाइट नंबर मिलते हैं. माइनस 1 अपॉन 2 मुझे कितना चाहिए? सबको किससे मल्टीप्लाई करूंगी अब मैं नेक्स्ट स्टेप में? 9 से. चलो सब जगह 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. माइनस 9 अपॉन 18, 9 अपॉन 18. देखिए माइनस 7, माइनस 8, माइनस 9. यहां 8, 9. ठीक है, माइनस 9 और 9 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं नंबर लाइन में. इसका मतलब यहाँ पे भी बहुत मिल जाएंगे, 8 से ज़्यादा मिलेंगे. वी विल टेक इन अ सीक्वेंस. माइनस 9 अपॉन 18, यहाँ से लेते हैं पॉजिटिव. ठीक है, 9 से पहले 8, से पहले 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर्स चाहिए थे, 8 नंबर्स मिल गए. सबके नीचे क्या लगाना है? 18, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है? 18. सबके नीचे 18 हो गया. देखिए तीन कॉन्सेप्ट समझे रैशनल नंबर्स फाइंड करने के. तीन एग्जांपल्स डिफरेंट लिए, कॉन्सेप्ट एक ही था. क्या? कि n प्लस 1 वाला लगाना है. ठीक है, देखो क्या है. पहला कॉन्सेप्ट में क्या था? जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं.
ठीक है. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, जब डिनोमिनेटर थे ही नहीं, तो टेकिंग डिनोमिनेटर एज वन फॉर बोथ दी गिवन नंबर्स. अब थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था, जब डिनोमिनेटर्स दोनों ही सेम है, ठीक, और उसके बाद सबका नेक्स्ट स्टेप हमेशा ही एन प्लस वन था, एंड वी हैव सॉल्व्ड ऑल दिस. ठीक, सो डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन इट, बिकॉज वी हैव द पर्टिकुलर एक्सरसाइज दैट इज 1.2 रैशनल नंबर्स फ्रॉम एनसीईआरटी. पूरी रैशनल नंबर एक्सरसाइज में 1.2 में पूरे सेम ऐसे ही क्वेश्चंस है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन दिस 10 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर एंड सो ऑन. डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड डू आस्किंग योर क्वेश्चन. थैंक यू.